नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कंबाइंड टेक्निकल वाले दोस्तों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं कि सर रिजल्ट इसका कब तक आएगा, क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट, क्या दिक्कत हो रही है। हालांकि लड़के गए भी थे आयोग, लेकिन कंबाइंड टेक्निकल वाले लड़के इतने ढीठ हैं कि 4-5 लड़के ही पहुँचे, बाकी सबको रिजल्ट तो चाहिए लेकिन जाने के लिए लखनऊ कोई तैयार नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे तो आपकी वैकेंसी का नंबर कटता रहेगा और दूसरी वैकेंसियों का नंबर लगता रहेगा। 3-4 लड़के आयोग जाएंगे, जवाब आयोग दे देगा कि ठीक है अगले महीने दे देंगे, अगले महीने जाओगी तो और अगले महीने दे देंगे, और अगले महीने जाओगी तो और अगले महीने दे देंगे, यही चलता रहेगा। जेई 2018 के बाद कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आना था, लेकिन बल संख्या नहीं है, बिल्कुल बच्चे ही नहीं जा रहे हैं, तो कहाँ आयोग पर कोई दबाव बन पाएगा। भैया 4-5 लड़के जाएंगे, 4-5 लड़के की बात ना तो आयोग सुनता, कोई नहीं सुनता 4-5 लड़कों की बात। कम से कम 20-50 लड़के इकट्ठे होकर जाएं तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, इस वैकेंसी को लेकर भी हमें सीरियस होना चाहिए और इस वैकेंसी का भी रिजल्ट निकालना चाहिए। अभी आपका जो जेई 2018 वाला रिजल्ट था, उसके बाद कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आना था, उसके बाद फॉरेस्ट जो बंदरोगा वाला रिजल्ट हुआ था उसका रिजल्ट आना था, लेकिन नंबर काट दिया गया और सीधा तैयारी चल रही है डीबी कराने की लेखपाल की। एक महीने लेखपाल का डीबी चलेगा तो मान के चलिए जुलाई तो निकल ही गया आपका, अगस्त में रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है, तो मान के चलो भैया सितंबर और अक्टूबर तक ही आपका रिजल्ट आ पाएगा, सितंबर और अक्टूबर से पहले कोई चांस नहीं है। अगस्त फर्स्ट वीक तक लगभग लेखपाल की डीवी का नोटिस आएगा, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का जो दरोगा वाला हुआ उसका फिजिकल होने लगेगा, फिर उनका मेडिकल होने लगेगा वन फॉरेस्ट गार्ड वालों का। इस तरीके से दोस्तों वैकेंसियां चलती रहेंगी और आपकी वैकेंसी ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी, क्योंकि बच्चे कम हैं, उन्हें भी दिख रहा है कि इस वैकेंसी को तो आराम आराम से लेके चलेंगे, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा हैं ही नहीं और ना कोई आयोग में आता है। हमारी वैकेंसी को पूरा करो, कोई भी लड़का भैया जाने को तैयार नहीं, और जब नहीं जाओगे तो भैया आप डिले होते रहो, परेशान होते रहो, फ्रस्ट्रेटेड होते रहो और कमेंट्स करते रहो चैनल वालों पे, सर उसका रिजल्ट कब आएगा, कब तक रिजल्ट आ जाएगा, सर भैया ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी कंबाइंड टेक्निकल के मैंने 3-4-5 ग्रुप बना रखे हैं, उसमें भी लगभग सभी ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो 1000-1500 बच्चे हैं, लेकिन वहाँ जाने के नाम पे दोस्तों कोई तैयार नहीं होता, कोई भी तैयार नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, सर मैं लखनऊ से काफ़ी दूर हूँ, सर मेरे साथ दिक्कत है, सर मैं जॉब कर रहा हूँ। तो भैया फिर रिजल्ट के लिए भी मत पूछो आप, है ना, जब आप सारे काम में व्यस्त हो तो आयोग भी अपने काम में व्यस्त है, उसे उधर व्यस्त रहने दो, इधर आप व्यस्त रहो। जब रिजल्ट आ जाएगा, सब काम हो जाएगा तो ज्वाइनिंग लेने पहुंच जाना, है ना, तब आपको टाइम मिल जाएगा। तो रिजल्ट को लेकर के भैया जुलाई में नहीं आ रहा है, अगस्त में नहीं आ रहा है, और ये काफ़ी दुखद है आप लोगों के लिए कि 7-8 साल से इंतजार कर रहे हैं आप लोग और अभी 2-1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। मान के चलो अगर सितंबर में भी रिजल्ट आता है तो आप सोच के चलिएगा सितंबर में रिजल्ट आएगा, कितनी सारी वैकेंसी है, सबका अलग अलग डीबी होना है, फिर एक पोस्ट ऐसी है जिसका फिजिकल होना है, उसके बाद डीबी की डेट के लिए चिल्लाते रहना कि भैया डीबी कब कराओगे, डीबी कब कराओगे, डीबी हो जाएगा फिर फाइनल रिजल्ट के लिए चिल्लाओगे कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो सितंबर में अगर इसका रिजल्ट आ रहा है तो नवंबर में जाके तो आपका डीबी हो रहा है ना, नवंबर में जाके डीबी हो रहा है तो फाइनल रिजल्ट कब तक आने की संभावना बनेगी, तो फिर भैया मान के चलो फरवरी और मार्च तक। अब यहाँ पर एक चीज़ और हो जाएगी, फरवरी और मार्च के दौरान दोस्तों लग जाएगी आचार संहिता, क्योंकि मई और अप्रैल के आसपास, अप्रैल या मई के आसपास लोकसभा का इलेक्शन होना है, तो मान के चलिए मार्च में या फरवरी में आचार संहिता लग गई, 40 दिन पहले लग जाती है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा फिर डिले, फिर सरकार का गठन होगा, लोकसभा सरकार का गठन होगा, उसके बाद आचार संहिता हटेगी, फिर आयोग कुछ हरकत में आएगा, तो मान के चलिए जुलाई अगस्त फिर आपके पास आ जाएगा, यानी कि पूरा 1 साल के फेर में ये वैकेंसी घूम जाएगी डीबी होने के बाद, समझ रहे हैं ना बात को। तो इस चीज़ पे किसी भी बच्चे का ध्यान नहीं है कि सर मार्च अप्रैल के आसपास आचार संहिता लगेगी और जब तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो भैया ये रिजल्ट फिर 2024 के लास्ट में जा करके ही आपको उम्मीद करनी है, इससे पहले कोई चांस नहीं है। ना तो आयोग का इस पर कोई ध्यान है कि इसका भैया प्री का रिजल्ट ये दे दिया जाए, अगर आपका प्री का रिजल्ट आ गया होता डीवी के रिजल्ट के लिए हल्ला बोल रहे होते हम सब लोग, तो समझ में आती है बात कि भैया दिसंबर जनवरी तक हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब आप सोचिए आपकी प्री परीक्षा का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, फिर कब जाकर के डीवी की डेट लगेगी। आप दूसरी वैकेंसी को भी देख सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी का रिजल्ट कब आया था और अभी तक उन लोगों का मेडिकल नहीं, 14 फरवरी को उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अभी तक फाइनल, अभी तो मेडिकल नहीं हुआ, फाइनल रिजल्ट तो कब आएगा कुछ नहीं पता है, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद मेरिट बनेगी तब जाके फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर जाकर के कहीं ज्वाइनिंग भेजी जाएगी। तो उन लोगों का जिनका प्री का रिजल्ट फरवरी में आ चुका, उन लोगों को भी संभावना लग रही है कि सर हमारा दिसंबर जनवरी के आसपास जाएगा, और आप लोगों का तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया, तो आप सोच के चल सकते हैं दोस्तों कि ये वैकेंसी आपकी कहाँ तक जा सकती है, बात समझ रहे हैं। तो भैया एक साथ जितने भी लड़के हैं कंबाइंड टेक्निकल वाले, मैं लीड करने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, जितने भी लड़के ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, जो लड़के नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिंक मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जुड़ जाएं, आवाज़ उठाएं, वरना दोस्तों आपके हाथ से जो चांस है वो चला
जाएगा, आप फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे, प्राइवेट नौकरी की तलाश में लग जाएंगे, लेकिन आपकी वैकेंसी फाइनल होने का नाम नहीं लेगी। बच्चे कम थे इसीलिए आपकी वैकेंसी को 7 से 8 साल आयोग ने खींच दिया, और इतना ढीठ आयोग, इतना बदतमीज आयोग आपने कभी दुनिया में देखा नहीं होगा। किसी भी आयोग का हाल इस तरीके का नहीं है कि 8-8, 10-10 साल पुरानी वैकेंसी को खींच रहा हो, ठीक है ना। मतलब सोचना चाहिए था आयोग को कि भाई साहब 2016 की वैकेंसी है, बच्चे कितने परेशान हैं, कई बच्चे इसमें एजड हो गए, ओवर एज हो गए, कई बच्चों के जब फॉर्म डाला था तो कईयों की तो शादी नहीं हुई थी, शादी होकर बच्चे हो गए, है ना। जो बच्चा 25 साल का था आज वो 33-34 साल का है, जो 33-34 साल का था वो आज ओवर एज है, 40 के प्लस है, ठीक है ना। तो ये हाल है भैया, कब आप नौकरी करोगे, जल्दी से जल्दी वैकेंसी को कंप्लीट कराने के लिए आवाज़ उठाइए। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहने का यही तात्पर्य है, ना ही मेरा कोई मतलब ऐसा है कि मैं आपको डरा रहा हूँ कि ना भैया बहुत लंबा रिजल्ट आएगा, लेकिन जो प्रोसेस लग रहा है आप खुद ही सोच के देखिए कि जब आपका प्री का ही रिजल्ट नहीं आया, प्री का ही कट ऑफ नहीं आया, कब डीवी का फाइनल रिजल्ट आएगा, कब इसका मेडिकल होगा, क्योंकि मेडिकल भी कुछ पोस्टों के लिए, मेडिकल तो सभी पोस्टों के लिए है, एक पोस्ट ऐसी है जिसमें फिजिकल भी होना है, तो प्रोसेस लंबा खिंचने वाला है। और प्रोसेस भैया लंबा आप लोगों के हाथ में, अगर आप खिंचवाना चाहते हो तो खिंचवाओ। आप याद करिए लेखपाल वालों ने किस तरीके से गदर काटा था, तब जाकर के उनका रिजल्ट निकाला था आयोग ने, समझ रहे हैं। सरकार चाहती है कि वैकेंसी को जितना डिले किया जा सकता है करो, क्यों, क्योंकि जब कर्मचारी नहीं आएंगे तो उनको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, सैलरी नहीं देनी पड़ेगी तो सरकार का पैसा बचता रहेगा, जितनी ज़्यादा खींच सकते हैं उतना पैसा सरकार बचाने की कोशिश करती है। पता नहीं सरकार पैसा बचा के कहाँ ले जाएगी, अरे जनता के लिए ही तो ये सारा पैसा है, जनता की सरकार है, कहा तो यही जाता है संविधान में कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई, है ना। जनता को ही पैसा देने के सरकार क्यों इतनी कोताही कर रही, जनता के लिए ये सब काम क्यों नहीं कर रही है समय से, है ना। दुखद है और काफ़ी निंदनीय है, इसकी कठोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, है ना, इस आयोग की, खास करके सरकार की भी, क्योंकि सरकार का इसमें पूरा रोल रहता है। भैया सरकार कहेगी तो आयोग अच्छे से काम करेगा, वरना तो चल रहा है जैसे चल रहा है। आप भी इंतजार करते रहिए, हम तो इंतजार कर ही रहे हैं, हम तो ऐसे वीडियो बना के डालते रहेंगे आप लोगों के लिए, 2-4 हज़ार व्यूज मिल जाएंगे, 1-8 डॉलर मिल जाएगा तो हमारा भी काम चलता रहेगा। लेकिन अगर आप सीरियसली हैं, अगर वैकेंसी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तो साथ आइए, ग्रुप में जुड़िए, उसके बाद डिस्कशन करते हैं कैसे जाया जाए, क्या करा जाए, आगे की रणनीति साथ बैठ के बनाते हैं। तो ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उन सबको ज्वाइन करिए, साथ आइए, और भैया साथ आइए नहीं साथ दीजिए, तभी आपकी वैकेंसी कंप्लीट हो सकती है। वरना 2024 के लास्ट तक इंतज़ार करिए, फ्रस्ट्रेटेड होइए, परेशान होइए, जो करना है आप करते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, ग्रुप ज्वाइन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।